किसी पुराने चीज को नई तरीके से करना, ये भी इनोवेशन होती है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की इजाजत दे। अगर आपका फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो फाइबर हो सकता है, अपवर्क हो सकता है। एक हॉबी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको जिंदगी के अंदर पैसा बना कर दे। हेलो, मैं हूं अली, आपका दोस्त, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। जिंदगी के अंदर इंसान के अंदर ये तीन हॉबीज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको ढूंढे, अगर नहीं है तो उसको बनाए, अगर नहीं होगी तो आपके लिए आने वाला दौर जो है बहुत मुश्किल साबित होगा। अगर आपके अंदर ये तीनों हॉबीज हैं और अगर नहीं है और आप डेवलप कर लेते हैं तो जब भी आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा फायदा होगा। एक हॉबी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको जिंदगी के अंदर पैसा बना कर दे, आपको जिंदगी में पैसा कमा कर दे। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, वो ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है, वो वीडियो क्रिएशन हो सकती है। अगर आपको लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग हो सकती है, कॉपी राइटिंग हो सकती है। आपको वीडियो बनाने का शौक है तो वो यूट्यूब हो सकता है, डेली मोशन हो सकता है। बहुत सारी वीडियो वेबसाइट ऐसी है जो आपको पैसा कमा के दे सकती है। अगर आपका फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो वो फाइवर हो सकता है, अपवर्क हो सकता है। अपनी जिंदगी के अंदर एक हॉबी ऐसी लाजमी रखनी जो आपको पैसे बना कर दे, जो आपको पैसे कमा कर दे। नंबर टू, एक ऐसी हॉबी जिंदगी में लाजमी होनी चाहिए जो आपको शेप में रखे। ऐसा ना हो आपका पेट कहीं जा रहा है, शोल्डर्स कहीं जा रहे हो और आप लटक गए 40 साल की उम्र के अंदर। नहीं, वो हॉबी क्या हो सकती है? वो आपका जिम जाना भी हो सकता है, वो आपका स्विमिंग भी हो सकता है, वो आपका रनिंग भी हो सकता है, वो आपका साइकिलिंग भी हो सकता है, वो आपका कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। एक ऐसी हॉबी जिंदगी में आपने लाजमी रखनी है जो आप रोज करें, वो आपको शेप में रखे, आपको जो है आपका स्टेमिना बरकरार रखे और आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने में मदद करे। लास्ट वन, एक ऐसी हॉबी आपने अपने जिंदगी में लाजमी रखनी जो आपको क्रिएटिव रखे, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की इजाजत दे, जो आपको बताए कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, मैं इसके अंदर क्या एक नई चीज कर सकता हूं, क्या मेरी क्रिएटिविटी। याद रखें, क्रिएटिविटी सिर्फ वही नहीं है जो आप कोई नई चीज लाके रख दें। जैसे इनोवेशन का एक वर्ड आया हुआ है कि इनोवेशन सिर्फ हम वो समझते हैं जो हम नई चीज लाके कोई इनोवेट कर दे और लोग उसको इनोवेशन बोलेंगे। नहीं, किसी पुराने चीज को नई तरीके से करना, ये भी इनोवेशन होती है, ये भी क्रिएटिविटी होती है। कोई पुराना तरीका है, आप उस कोई पुरानी चीज है उसको आप किसी नए तरीके से सरंजाम दे दे तो वो भी आपकी क्रिएटिविटी है। तो अपने आप को अपने अंदर ये तीन हॉबीज आपने जिंदगी के अंदर लाजमी रखनी। अगर ये तीन हॉबीज आपके अंदर होगी तो आप एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। इस चैनल में हम बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, इस चैनल में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, इस चैनल में हम बात करते हैं मोटिवेशन, इस चैनल में हम बात करते हैं जिंदगी से रिलेटेड, इस चैनल में हम बात करते हैं दुनिया से रिलेटेड कि किस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या अपडेट आ रही है। तो अगर आपका इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है और बिलखसूस मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपका ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट है आपके अंदर या उस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो चैनल आपकी बहुत ही बड़ी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दे ताकि मुझे पता चले कि मेरा कॉन्टेंट कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।